टर्मरिक या हल्दी के फायदों के बारे में कौन नहीं जानता। हल्दी प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स से लोडेड होने के साथ ही एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज से भरी होती है, जिसकी वाकई में आजकल हमें जरूरत है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने घर पर बेहद आसानी से सिर्फ 250 ग्राम फ्रेश कच्ची हल्दी से उगा सकते हैं 5 किलो तक हल्दी, वो भी गमले में और 100% ऑर्गेनिक तरीके से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाजार वाली फ्रेश कच्ची हल्दी से कंटेनर में ढेर सारी हल्दी उगाने का पूरा तरीका। हल्दी की स्प्राउटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 7 महीनों के स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के आखिर में मैं आपको हार्वेस्ट की हुई कच्ची हल्दी को प्रोसेस करके हल्दी पाउडर भी बनाकर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखें, जिससे आपको गमले में ढेर सारी ऑर्गेनिक हल्दी उगाने की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घर पर गमले में हल्दी उगाना इतना आसान है कि इसे वो लोग भी उगा सकते हैं जिनके पास न तो कोई गार्डन है न ही गार्डनिंग का कोई नॉलेज। तो चलिए गमले में ढेर सारी हल्दी उगाने की स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स को समझते हैं। वैसे तो हल्दी को आप साल में किसी भी समय उगा सकते हैं, लेकिन इसे उगाने का बेस्ट टाइम 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के बीच होता है। 7-8 महीनों में हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। कच्ची हल्दी आपके आसपास के वेजिटेबल मार्केट में साल भर बड़ी आसानी से मिल सकती है। आपको लाना होगा इस तरह के बड़े साइज वाली हल्दी। अब अगर हम इसे सीधे मिट्टी में लगा देंगे तो काफी चांसेस है कि ये मिट्टी के अंदर ही गल जाए, इसलिए फाइनल कंटेनर में लगाने से पहले हम इसकी स्प्राउटिंग भीगे हुए टॉवल में करेंगे। इसके लिए आपको लेना होगा इस तरह का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर। अब इसमें एक हैंड टॉवल को भिगो कर रख दीजिए। इसके ऊपर हल्दी के राइजोम्स को रखकर कपड़े से कवर कर दीजिए और ढक्कन को बंद करके इसे किसी ब्राइट विंडो के पास रख दीजिए। हर 6-7 दिनों में इसे चेक कीजिए। यदि कपड़ा सूखा लगे तो इसमें दोबारा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। याद रहे कि इसमें पानी भरना नहीं है, सिर्फ इतना ही पानी डालना है कि कपड़ा भीगा रहे। 12 दिनों के बाद हल्दी के राइजोम्स में आइज निकल आई है। इसे कुछ और दिनों के लिए इसी में बढ़ने देना है। 20 दिनों में इसमें छोटे छोटे शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं। आज 10 मई है और टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री के आसपास है। इनिशियल स्टेज पर इसमें जितनी अच्छी रूट ग्रोथ होगी उतनी ही ज्यादा हल्दी की गांठ यानी राइजोम्स पौधे में बनेंगे। तो फिलहाल इसे फाइनल कंटेनर में लगाने की जगह सीडलिंग मिक्स में ग्रो करेंगे। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% वर्मी कम्पोस्ट और 50% कोकोपीट को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा गीला कर लीजिए। अब मैं ड्रेनेज होल्स वाले इस छोटे पॉट में मिक्सचर को आधा भर देता हूँ। इसकी आई वाले साइड को ऊपर रखते हुए सभी राइजोम्स को इस तरह से लगा दीजिए। इसके ऊपर 2 इंच मिक्सचर डालकर अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। इसमें सिर्फ इतना ही पानी देना है कि हमेशा मॉइस्चर बना रहे। ओवर वाटरिंग नहीं करें, नहीं तो राइजोम्स खराब हो जाएंगे। 40 दिनों बाद इसमें ढेर सारे शूट्स निकल आए हैं। अब हम इन्हें फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। इस वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप ठीक इसी तरह अदरक भी उगा सकते हैं। गमले में ढेर सारा अदरक उगाने का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है। ढेर सारी हल्दी उगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी रूट्स काफी ज्यादा फैलती है और ज्यादा हल्दी बनाने के लिए पौधे को ज्यादा जगह और मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए 20 इंच या उससे बड़े कंटेनर बेस्ट होते हैं। अगर आप 12 इंच के मीडियम साइज के गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो एक गमले में सिर्फ एक ही राइजोम लगाएं। मैं इस 24 इंच चौड़े प्लास्टिक फ्रूट क्रेट में हल्दी उगाने वाला हूं। पुरानी फ्रूट क्रेट से इस तरह के बड़े कंटेनर बनाना सीखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूं। हल्दी को वेल ड्रेन्ड, भुरभुरी और न्यूट्रिएंट से भरपूर लूज मिट्टी काफी पसंद होती है। ज्यादा हैवी और क्लेई मिट्टी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। मिट्टी जितनी ढीली होगी इसके नीचे उतनी ही ज्यादा हल्दी बनेगी। हल्दी के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% बालू रेत, 20% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर में मिला लीजिए जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करेगा। मिट्टी को कंटेनर में आधे से ज्यादा भर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें लीफ मोल्ड या पत्ती की खाद डालकर 2 इंच की लेयर बना रहा हूँ।
आप इसमें सड़ते हुए पत्ते भी डाल सकते हैं, इससे रूट्स को तेजी से बढ़ने के लिए इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिलेगा। अब हल्दी के पौधों को बराबर डिस्टेंस पर लगा दीजिए। इसके बाद इसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। अब इसमें भरपूर पानी दीजिए। कंटेनर को ऐसी जगह रखिए जहां इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। 4 महीने बाद पौधे लंबे और घने हो गए हैं। पूरा कंटेनर बड़ी बड़ी पत्तियों वाले हल्दी के पौधों से भर गया है। हल्दी की रूट्स नाइट्रोजन रिलीज करती है, तो मैंने कंपेनियन प्लांट के तौर पर इसमें टमाटर का पौधा लगाया है। आप देख सकते हैं कि पौधे में टमाटर आना भी शुरू हो गए हैं। ये 3 महीने में फ्रूटिंग करने लगता है। हल्दी के पौधे को ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती। ट्रांसप्लांट के 2-2.5 महीने बाद 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए। गमले के ऊपर की मिट्टी को लूज नहीं करना है, वरना हल्दी के छोटे छोटे राइजोम्स जो बन रहे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इस तरह से हर 2 महीने में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही इसमें फर्टिलाइजेशन कीजिए। पौधे अब 5 महीने के हो चुके हैं और काफी बड़े भी हो गए हैं। टमाटर का पौधा भी अब ढेर सारे लाल लाल टमाटर से भर गया है। इन्हें हार्वेस्ट करके टमाटर के पौधे को मैं निकाल दूंगा। हल्दी के पौधे को कम पानी की जरूरत होती है। ओवरवाटरिंग से इसकी जड़ों में रूट रॉट हो सकता है और पौधे खराब भी हो सकते हैं। पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो या पत्तियां फोल्ड होने लगे। ध्यान रहे कि कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, नहीं तो इसमें हल्दी की ग्रोथ रुक जाती है। 7 महीने बाद पौधे सूखने लगे हैं। हार्वेस्टिंग के 7-8 दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए। इस कंटेनर में हल्दी ग्रो किए हुए 7 महीने हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते सूखने लगे हैं। इसका मतलब इसके नीचे हल्दी की गांठें बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। मैंने कंटेनर से सारी हल्दी हार्वेस्ट कर ली है। दोस्तों, 7 महीने पहले हमने 250 ग्राम हल्दी प्लांट की थी और क्या जबरदस्त हार्वेस्ट मिला है आप देख ही सकते हैं। टोटल हार्वेस्ट लगभग 5 किलो के आसपास है। आप कच्ची हल्दी की सब्जी भी बना सकते हैं और कच्ची हल्दी का अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कच्ची हल्दी को कैसे प्रोसेस करके इसका हल्दी पाउडर बनाया जाता है। कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसे 3-4 बार बहुत अच्छी तरह से धोना होगा, जिससे इसके ऊपर लगी सारी मिट्टी पूरी तरह से साफ हो जाए। आप चाहे तो इस तरह के कपड़े धोने वाले नायलॉन ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी आने तक अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जितनी देर में आप आलू उबालते हैं, उससे थोड़े से कम टाइम तक आप इसे गैस पर रखिए। इसके पकने पर हल्दी में से करक्यूमिन रिलीज होने लगेगा, जिसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट उबलने के बाद हल्दी अंदर से पककर सॉफ्ट हो गई है। इसे चेक करने के लिए इसमें एक मैच स्टिक से छेद करके देखिए। अगर आराम से आर पार हो रही है तो ये हल्दी पक चुकी है। अब इसे तेज धूप में 15-20 दिनों तक सुखाना है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए इसे पतले कपड़े से कवर कर दीजिए। बीस दिनों बाद हल्दी पूरी तरह से सूख चुकी है। इसे इस तरह से तोड़कर अंदर से चेक कर लीजिए। अगर अंदर से जरा भी नरम हो तो कुछ दिनों तक और सूखने दीजिए। 5 किलो हल्दी पूरी तरह से सूख जाने के बाद सिर्फ 500 ग्राम ही रह जाती है।
अब आप चाहे तो इसे सीधे ग्राइंडर में ग्राइंड करके हल्दी पाउडर बना सकते हैं। बाजार में जो पीली दिखने वाली खड़ी हल्दी मिलती है वो पॉलिश्ड होती है, जिसे बड़ी पॉलिशिंग मशीन में डालकर चिकना किया जाता है। इसे पॉलिश करने के लिए एक मेटल के वायर ब्रश को लेकर इस तरह से केयरफुली घिसना होगा। इसे इस तरह से पॉलिशिंग करना थोड़ा मेहनत वाला काम तो है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे बिना पॉलिश किए भी पीसे तो भी हल्दी पाउडर 100% सेम रहेगा, बस कलर हल्का सा डार्क होगा। मैंने थोड़ी हल्दी पॉलिश कर ली है। अब मिक्सर ग्राइंडर के मसाला ग्राइंडिंग करने वाले इस तरह के ब्लेड वाले जार में थोड़ी थोड़ी हल्दी डालकर धीरे धीरे पीसते जाइए। हल्दी का पाउडर बन गया है। इसे सबसे बारीक वाले स्ट्रेनर से छान लीजिए। बारीक हल्दी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसमें से फ्रेश हल्दी पाउडर की जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, ये है 100% ऑर्गेनिक घर का बना हल्दी पाउडर। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, हल्दी उगाना बहुत आसान है और इस वीडियो को फॉलो करके मेरी तरह आप भी अपनी छत पर या बालकनी में उगा सकते हैं ढेर सारी 100% ऑर्गेनिक हल्दी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।